ये सीधा सीधा ट्रायल कोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, जैसा लगातार उनकी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि कैसे सरकार चलेगी, लेकिन उन्होंने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी वो याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन उनको राहत सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये उम्मीद काफी कम है, क्योंकि सीधे सीधे गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी है। अभी बेल एप्लीकेशन उन्होंने नहीं अप्लाई किया, अभी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने ईडी के हर, जो भी ईडी ने अपनी दलीलों में कहा उस ईडी की हर दलील को कोर्ट ने सही माना है कि ईडी ने जो भी अभी तक पूरी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की है, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स लिए गए हैं, जिस तरीके से रिमांड में अरविंद केजरीवाल को लिया गया, वो सारी चीजें प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो की गई हैं। कोई भी ऐसी चीज ईडी ने इलीगल तरीके से नहीं की है, ये कोर्ट ने मान लिया है। जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा था कि अप्रूवर के स्टेटमेंट के आधार पर उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, 450 से ज्यादा गवाह हैं, उसमें से सिर्फ 4 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, ये उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था, लेकिन कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना। चाहे जो भी अप्रूवर है, जिसने भी नाम अरविंद केजरीवाल का लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे इस पूरे एक्साइज पॉलिसी का किंग पिन कहा गया है, यानी कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है, ये कोर्ट में कहा गया था ईडी की तरफ से। और यही वजह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है। ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की 2 बार पेशी हुई, उनको 2 बार ईडी ने रिमांड में लिया, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया और फिर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत आज नहीं मिली है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही बताया है, यानी कि ईडी ने जो दलीलें दी वो सारी की सारी दलीलें कोर्ट ने सही मानी है, और अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से जो भी दलीलें कोर्ट में दी गई उसको कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था, जिस मुमता रेड्डी के बयान को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि उसी के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा है, दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन ऐसे ही लोग दूसरी पार्टी को पैसे देते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया गया था कि उनको पैसे दिए गए, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कहा कि यह पूरा मामला हम सिर्फ और सिर्फ लीगल आधार पर देखेंगे, कोर्ट पॉलिटिकल आधार पर, पॉलिटिकल मोरालिटी के आधार पर कोई फैसला नहीं सुनाता है, ना ही किसी मामले को पॉलिटिकल मोरालिटी के आधार पर कंसीडर करता है। और यही वजह है कि कोर्ट ने हर जो कानून ईडी ने फॉलो किया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ईडी ने पीएमएलए के तहत फॉलो किए हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही माना, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तमाम बयान जो कोर्ट में रखे गए थे उन सारे बयानों को कोर्ट ने सही माना, क्योंकि बयानों पर जो सवाल उठ रहे थे ये कहा जा रहा था कि बयान गलत तरीके से लिए गए हैं, जिसने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया उसको सही माना जाता था और उसको बेल मिल जाती थी, फिर चाहे वो बैक पेन के आधार पर ही उस शख्स से बेल के लिए क्यों ना अप्लाई किया हो, ईडी उसका विरोध नहीं करती थी। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप किसी अप्रूवर के बयान पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब है कि आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, 164 सीआरपीसी के तहत जो बयान दर्ज किए जाते हैं आप उन पर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए वो कोर्ट ने गलत पाया है कि कोर्ट पर आप सवाल नहीं उठा सकते, कोर्ट पॉलिटिकल मोरालिटी के हिसाब से नहीं चलता, कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है। क्योंकि ये सीधे सीधे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया था कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको लेके पैसे कहां से कहां गया, कहां आया, वो सारा एग्जामिन किया, विटनेस स्टेटमेंट एग्जाम किया, प्योरली लीगल जजमेंट, एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल, वेरी वेल रिटन जजमेंट। आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई हाई कोर्ट ने, कोर्ट ने न्याय न्याय किया है। सर राजनीति पे क्या कहा है, राजनीति पे बयानबाजी पर आपने क्या कहा है, और राजनीति पे कहा कि क्वेश्चन पार्टी पे नहीं है, कोर्ट के फैसला है वो। राजू सर अप्रूवल सीट पे वो ऑथोरिटी क्वेश्चन, द कोर्ट हैज सेड दैट इट इज बिटवीन द कोर्ट एंड अप्रूवल, व्हाट व्हाट इज द ऑर्डर, कोर्ट से वेदर टू मेक अ पर्सन अप्रूवर इज द फंक्शन ऑफ द कोर्ट, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, नॉट ऑफ द ईडी। सर राजनीति के आरोप पर क्या कोर्ट ने कहा है, एक अहम बात कही है, राजनीति में हम
जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। मुझे जाने दो ना सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की, उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है, गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें तैयार है सर? चलो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें सर, तैयार है सर? बस उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट।